हुड़केश्वर पुलिस थाना क्षेत्र में दुश्मनी के चलते दो गुटों में खूनी खेल खेला गया। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल तो दो आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी प्रेम महेंद्र शंबरकर और उसका दोस्त शुभम चौहान, इन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जिसके बाद प्रेम ने शुभम के गाल पर दो लाफे जड़ दिए। उसके बाद शुभम ने घर जाकर यह बात अपने बड़े भाई राजू चौहान को बताई। उसके बाद राजू ने अपने दोस्त विनोद के साथ मिलकर फिरियादी प्रेम शंबरकर की तलाश शुरू की। उसी दिन रात में फिरियादी प्रेम शंबरकर अपने दोस्त के साथ हुड़केश्वर इलाके में ग्रीनलैंड के बगल में स्कैम पान ठेले के पास सिगरेट पी रहा था। उसी दौरान वहां राजू कौशल गोविंद सिंह चौहान अपने मित्र विनोद के साथ पहुंचा और फिरियादी शुभम शंबरकर के साथ बहस करने लगा। बहस इतनी आगे बढ़ी कि हाथापाई में बदल गई। उसके बाद आरोपी विनोद मेश्राम ने अपने पास का चाकू निकाल कर तथा राजू चौहान पर पत्थर से फिरियादी प्रेम शंकर पर हमला कर दिया। उसी समय वहां से हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक सत्यवान कदम गश्त कर रहे थे। उनका ध्यान जैसे ही उस भीड़ की ओर गया, उन्हें कुछ अनुचित होने की शंका हुई। उन्होंने तुरंत उस जगह पहुँच कर उस झगड़े का बीच बचाव किया। उनकी सतर्कता से बहुत बड़ी अप्रिय घटना होने से टल गई। बाइट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी राजू चौहान के ऊपर कई पुलिस स्टेशन में गंभीर स्वरूप के गुनाह दाखिल है। उसी प्रकार विनोद मेश्राम के ऊपर भी मर्डर और कई प्रकार के गुनाह दाखिल है। काल हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन हद्दी मध्ये दोन मित्र प्रेम शंबरकर आणि शुभम चौहान यांच्यामध्ये काहीतरी कारणावरून बाचाबाची झाली। त्या दरम्यान प्रेम शंबरकर यांनी शुभम याला किरकोळ मारहाण केली। ही गोष्ट शुभम याने आपला मोठा भाऊ राजू चव्हाण याला सांगितली। तेव्हापासून राजू चव्हाण आणि त्याचा मित्र विनोद मेश्राम हे प्रेम शंबरकर याला शोधत होते। हे दोघेही राहणार आरपी नगर येथील आहेत। तर हुड़केश्वर पोलीस स्टेशन हद्दीमधील उदयनगर चौकामध्ये यांना हा प्रेम शंबरकर काल संध्याकाळी दिसला। त्यांनी आरोपी विनोद मेश्राम याने चाकूच्या सहाय्याने आणि राजू चव्हाण याने दगडाच्या सहाय्याने त्याच्यावर हल्ला केला। त्याचवेळी आपल्या पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सत्यवान कदम हे त्या ठिकाणून जात होते। त्यांनी तत्काळ त्या ठिकाणी धाव घेतली आणि दोन्ही आरोपींना त्यांनी पकडलं। जखमीला तत्काळ आपण मेयो हॉस्पिटल येथे भरती केलं होतं। आरोपींना अटक करून त्यांच्यावर आपण गुन्हा दाखल केला आणि आज माननीय कोर्टात त्यांना हजर केलं होतं। आरोपी सध्या पोलीस कस्टडीमध्ये आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, BCN न्यूज नागपूर।